सनातन हिंदू धर्म में भगवान की साक्षी मूल होती है। आप राम जी का भजन कर रहे हैं तो राम की साक्षी आपके सम्मुख में है, आप भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण की साक्षी आपके सम्मुख में है, आप देवाधिदेव महादेव का भजन कर रहे हैं तो भगवान शंकर की साक्षी आपके हृदय में है। केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है, केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिस धर्म के अंतर्गत आप जिस देवता का स्मरण करते हो उसका प्रतिबिंब आपके मन में, आपके हृदय में और आपकी दृष्टि में रहता है। बाकी के किसी धर्म में आप उसका प्रतिबिंब नजर नहीं कर सकते। और हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत हम अगर शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं तो शिव का प्रतीक मानकर हम उसकी पूजन कर रहे हैं। हम बाल गोपाल का अगर पूजन कर रहे हैं तो भगवान राम और कृष्ण का प्रतीक मानकर उसकी पूजन कर रहे हैं। हम दुर्गा भवानी का पूजन कर रहे हैं तो जगत जननी धात्री का प्रतीक मानकर पूजन कर रहे हैं। एक शिक्षक, भले बच्चा कितना भी मोबाइल पर पढ़ ले, भले बच्चा कितना भी गूगल पर सर्च कर ले, भले बच्चा कितना भी अपने इंस्टाग्राम आदि कादिक जितनी भी विद्या केंद्रित हैं सोशल मीडिया पर, उन सब पर बच्चा कितनी भी पढ़ाई कर ले, फिर भी एक शिक्षक का होना, एक टीचर का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो टीचर साक्षी का प्रतीक होता है कि तुमने जो विद्या अध्ययन करा, तुमने जो पढ़ाई करी, तुमने जो ग्रहण करा, उसमें एक टीचर की साक्षी है, एक शिक्षक की साक्षी है। और मेरा निवेदन आज के टीचर और आज के शिक्षकों से केवल इतना सा निवेदन हमारा है, टीचर और शिक्षक ये कभी ना सोचें कि बच्चे मोबाइल पर पढ़ रहे हैं या गूगल पर पढ़ रहे हैं या ये सोशल मीडिया पर पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि आज के जमाने के टीचर और शिक्षक का भार और ज्यादा हो गया है। आज के जमाने के टीचर और शिक्षक का भार ये बढ़ना चाहिए कि अब अगर बच्चे सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं, बच्चे अगर गूगल पर सर्च कर पढ़ रहे हैं, बच्चे अगर मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज के शिक्षक और आज के टीचर का कार्यभार और ये बढ़ जाना चाहिए कि अब बच्चे अगर मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं तो हम हमारे स्कूल में बच्चों को ये सिखाएं कि तुम किसी गलत व्यसन की ओर ना चले जाना, और उनका मोटिवेशन करते रहें, उनको समझाते रहें कि तुम गलत विचारों में ना जाए, गलत दृष्टि में ना जाए, गलत भावों में ना जाए। आज बच्चों को सबसे बड़ी जरूरत है उनको समझाने की। प्रथम गुरु कौन होता है? जम के बोलो जल्दी से। प्रथम गुरु कौन है? माँ। दूसरा गुरु कौन है? पिता। तीसरा गुरु कौन है? शिक्षक। चौथा गुरु कौन है? सतगुरु। पहले नंबर पर है माँ। यहां इतनी सारी बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, वयो माता बैठी हैं, 60 साल से ऊपर वाली भी बैठी हैं तो 50 साल से ऊपर वाली भी बैठी हैं। हम दूर नहीं जाएंगे, आपके पास में जो बुजुर्ग माता बैठी हैं आप उनसे एक बार जरा सब पूछो कि तुम्हारे पास में बैठी हुई बूढ़ी माता ने कौन से कॉलेज से MBA करा है। जितनी बूढ़ी माताएं बैठी हैं इनसे पूछो इन्होंने कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी। जितनी बूढ़ी माताएं बैठी हैं 60 से ऊपर, 70, 75, 80, 55, 50, जितनी 50 से ऊपर वाली बैठी है इनसे पूछो कि ये कौन से कॉलेज में पढ़ी थी, इनने कौन सी पढ़ाई करी थी, ये कितनी पढ़ी लिखी हैं, ये कितनी विद्वान है। कोई कहेगी हमने तो भैया उस समय का 9वीं तक पढ़ाई करी है, कोई कहेगा हमने 10वीं तक पढ़ा है, कोई कहेगा हमने 12वीं तक पढ़ा है, कोई कहेगा हमने कॉलेज करा है, कोई कहेगा हमने 5वीं पढ़ा है, कोई कहेगा हमने 7वीं पढ़ा है। पर बुजुर्ग माताएं जितनी बैठी हैं इन्होंने भले पढ़ाई करी ना करी, भले ये टीचर थी ना थी, भले ये शिक्षक थी ना थी, पर इन बुजुर्ग माताओं से पूछना इन्होंने अपने बच्चों को जो संस्कार दिया वो आने वाली पीढ़ी नहीं दे सकती।
ये बुजुर्ग माताओं ने जो आने अपने बच्चों को संस्कार दिया है वो आने वाली पीढ़ी नहीं दे सकती है। कई बार बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं कह देती हैं, हे बहू हमारी तो जिंदगी निकल गई बेटा, अब तू देख ले और टिंकल टिंकल लिटिल स्टार देख ले, अब हमारी जिंदगी तो जो निकलना थी वो निकल गई। इन बुजुर्ग माताओं ने जो अपने बच्चों को संस्कार दिया, इन बुजुर्ग माताओं ने जो अपने बच्चों को ज्ञान दिया कि बच्चे अपनी माता का आज भी आदर कर रहे हैं, बोलो सही है कि गलत है? बच्चे अपनी बूढ़ी मां का, घर में दादी का, घर में दादाजी का, घर में बुजुर्ग पिता का आदर कर रहे हैं। जो बूढ़ी मां ने ना तो पढ़ाई करी, ना कॉलेज गई, ना स्कूल गई, ना कहीं पढ़ने गई, उसके बाद भी अपने बच्चों को उसने संस्कार इतने अच्छे दिए कि आज उसका बुढ़ापा सही निकल रहा है और आने वाली पीढ़ी क्या संस्कार प्राप्त कर रही है और कैसे संस्कार उसको मिल रहे हैं, ये आप अच्छे से जानते। आज के समय में जरा सा बच्चा अगर मोबाइल देख रहा हो ना, उस समय पर बच्चे को तुम काम बता दो, उतनी देर में तुम बच्चे का मुंह देख लेना। बोलो रही जी जी, सही है कि गलत है? इतना सा बच्चा, एक जरा जरा से बच्चों को माताएं हमारे पास में लाती हैं या किसी गुरुजी के पास में जाकर कहती हैं, ये बहुत चिड़चिड़ करता गुरुजी, ये ध्यान नहीं देता गुरुजी, छोटे छोटे से बच्चे को देखकर माताएं कहती हैं ये बहुत गुस्सा करता है गुरुजी। इतना सा बच्चा और इतना गुस्सा, इतना सा बच्चा और इतनी चिड़चिड़, कारण क्या है? तुम भी मोबाइल में व्यस्त हो और वो भी मोबाइल में व्यस्त हो। ये जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इन्होंने अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद बनाने का प्रयास करा, रामकृष्ण परमहंस बनाने का प्रयास करा, इन्होंने अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद बनाने का प्रयास करा, रामकृष्ण परमहंस बनाने का प्रयास करा, नामदेव तुकाराम बनाने का प्रयास करा, मीरा कर्माबाई बनाने का प्रयास करा। आज बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले होड़ लगती है, इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सीए बनाना है, इसको ये बनाना है, इसको वो बनाना है। आप अपने बच्चे को अगर अच्छे से आदमी को आदमी बनाना चालू कर दो तो वो स्वयं डॉक्टर बन जाएगा और इंजीनियर बन जाएगा। आज का व्यक्ति आदमी ही नहीं बन पा रहा, आज का व्यक्ति मनुष्य से मनुष्य ही नहीं बन पा रहा। एक गांव का व्यक्ति, एक व्यक्ति गांव में से निकल कर जा रहा था, एक दरवाजे पर पहुंचा, भैया बहुत प्यास लगी है हमको पानी पिला दो। सेठ जी ने कहा कोई हमारा आदमी आने वाला है वो तुमको पानी पिलाएगा। उसको जाना था, उसने फिर आधे घंटे बाद कहा भैया हमको बहुत प्यास लगी है हमें पानी पिला दो, हमारा आदमी आता होगा पानी पिलाएगा। उसने फिर कहा भैया मुझे दूसरे गांव जाना है बहुत प्यास लगी है पानी पिला दो, हमारा आदमी आएगा वो पानी पिलाएगा। इतने में उस व्यक्ति ने कहा भैया थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। हम स्वयं आदमी नहीं बन रहे, हम स्वयं मनुष्य नहीं बन रहे। आज के जमाने में व्यक्ति को नेता बनना है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, डायरेक्टर बनना है, बहुत कुछ बनना है, पर आदमी आदमी नहीं बन पा रहा। पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है, पड़ोस में और कोई भूखा सो रहा है, परिवार में कोई दुखी है और हम बहुत दूर जाकर भंडारा करें, मेरा बाबा कभी प्रसन्न नहीं होता। बाबा कहता है पहले अपने घर के व्यक्ति को देखो, मेरा बाबा कहता है पहले अपने परिवार के व्यक्ति को देखो कि उसको दुख तो नहीं है, उसको तकलीफ तो नहीं है, उसको कष्ट तो नहीं है। पहले आप अपने पास वालों को देखिए, अपने नज़दीक वालों को देखिए, अपने करीब वालों को देखिए, इनको दुख तो नहीं है।
बनो। माँ पहले नंबर का गुरु होती है, प्रथम नंबर का गुरु है माँ, पहले नंबर का गुरु है माँ। विदेश में रहने वाला एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था थॉमस। क्या नाम था? जम के बोलो जरा, थॉमस। छोटा सा बालक, विदेशी स्कूल में विदेश का बालक पढ़ रहा था। थॉमस स्कूल जाता था। आज प्रिंसिपल ने थॉमस को बुलाया, हाथ में एक पत्र पकड़ा दिया, बंद कर लिफाफे में पैक कर थॉमस को दे दिया। थॉमस, ये पत्र आप अपनी मम्मी को ले जाकर दे देना। थॉमस, ये पत्र आप अपनी आई को ले जाकर दे देना, अपनी माता को ले जाकर दे देना। थॉमस उस पत्र को लेकर अपनी मम्मी के पास गया, आई के पास गया, माँ के पास गया। माँ से जाकर कहा, मम मम्मी, प्रिंसिपल ने आपके लिए पत्र दिया। थॉमस ने जब माँ को पत्र दिया तो उस पत्र को माँ ने पढ़ा। बेटे ने पूछा, मां स्कूल के प्रिंसिपल ने पत्र में क्या लिखा है? मां कहती है, पत्र में लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा विद्वान है, बहुत विद्वान है तुम्हारा बेटा, इसके लायक हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। यह बच्चा इतना विद्वान है कि इसके लायक हमारे पास में टीचर नहीं है, इसलिए आपका बच्चा बहुत ज्यादा विद्वान है, इस बच्चे को आप हमारे स्कूल से निकाल लो, इसकी टीसी ले जाओ और निकाल कर इसको जो विद्वानों का स्कूल हो उसमें इसको भर्ती करा, इसको एडमिट करा। अब माँ ने लिफाफा बंद करा, पैक करा, लॉकर में रख दिया ड्राज में, और माँ अपने बच्चे से कहती है, तेरे लायक वो स्कूल नहीं है क्योंकि तू बहुत विद्वान है, इंटेलिजेंट है, इसलिए अब तू एक काम कर, घर में पढ़। थॉमस घर में पढ़ने लगा। मां पढ़ी लिखी नहीं थी पर बच्चे के सामने बैठी रहती थी, रसोई घर में रसोई बनाती और भोजन बनाने के बाद अपने बच्चे को टाइम देती, कपड़े धोने के समय पर कपड़ा धोती, अपने बच्चे को समय देती, बच्चे से कहती, बेटा पढ़ो, मैं बैठी हूं, तुम जो सुनाओगे मैं सुनूंगी। माँ ने अपने बच्चे को आज तक नहीं बताया कि मैं कौन सी क्लास तक पढ़ी हूं, मुझे नहीं मालूम। थॉमस की माँ को माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं कौन सी क्लास तक पढ़ी हूं, तुम पढ़ो और मुझे सुनाओ। थॉमस ने घर में पढ़ना प्रारंभ करा, पढ़ते पढ़ते अपनी माँ को सुनाना प्रारंभ करा। माँ समझती थी नहीं समझती थी, आता था नहीं आता था, पर माँ सुनती थी। सुनते सुनते थॉमस बड़ा हो गया, विद्वान हो गया, और बड़ा हुआ। समय आया और एक दिन थॉमस की माँ शांत हो गई, थॉमस की माँ मर गई, और उस थॉमस ने इतना रिसर्च करा, ऐसा वैज्ञानिक बना जिसने हमारे घर में जो बल्ब लगता है, जो ट्यूबलाइट लगती है, उसकी खोज उस थॉमस ने कर दी। उस थॉमस ने बल्ब की खोज कर दी, ट्यूबलाइट की खोज कर दी, उस लाइट की खोज थॉमस ने करी। अब एक दिन थॉमस अपने घर में घूम रहा था, उसने ड्रॉज खोला, ड्रॉज में से लेटर निकला कि ये तो मेरे प्रिंसिपल ने मेरी मम्मी को दिया था, इस लेटर को मैंने पढ़ा नहीं था, मम्मी बोल रही थी कि इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, तू बड़ा विद्वान है और ये स्कूल और टीचर तेरे लायक नहीं है। थॉमस ने उस लेटर को निकाला, उस लिफाफे को खोला, उस पत्र को पढ़ा, तो थॉमस ने पत्र में क्या पढ़ा कि तुम्हारा बच्चा माइंड से कमजोर है, तुम्हारा बच्चा मूर्ख है, इसको कहीं पागल खाने में जमा करिए, यह बच्चा यहां पढ़ने के लायक नहीं है, इसको यहां से टीसी निकालो और कहीं ले जाकर इसको पागल खाने में जमा करो। मां ने उस पत्र को छुपा दिया और पत्र को छुपाने के बाद मां ने अपने बेटे को उज्जवल बनाने का प्रयास करा, जैसे थॉमस की मां ने उज्जवल बनाने का प्रयास करा, वो उज्जवलता तुम में आना चाहिए। स्कूल के टीचर कह दें कि तुम्हारा बच्चा नालायक है, स्कूल के टीचर कह दें कि तुम्हारा बच्चा बेकार है, और तुम उसको मान लोगे और तुम अपने बच्चों को वो उपाधि देने लगते हो,
कि तुम पढ़ नहीं सकते, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, बल्कि बच्चों को कहना चाहिए तुझ में वो एनर्जी है बेटा, मुझे विश्वास है कि तेरा मैथ बहुत अच्छा है। बच्चा कहता मेरा मैथ अच्छा नहीं है, बच्चा कहता मेरी विज्ञान अच्छी नहीं है, बच्चा कहता मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है, उस बच्चे को तुम्हें कहना मैंने तेरी राइटिंग देखी है, तू बहुत अच्छा लिखता है, तू बहुत अच्छा पढ़ता है, मेरा विश्वास कहता है तू मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर ला सकता है, ये मेरा भरोसा कहता है। वो बच्चे का आप बल बढ़ाओगे, परंतु आप टीचर कह देते हैं कि ये बच्चा इसमें कमजोर है, ये बच्चा ऐसा है, और आप उस बच्चे को वही कहना चालू कर देते हैं तुझमें तो अकल ही नहीं है, तू तो नालायक है, तू तो पढ़ता ही नहीं है, ध्यान देता ही नहीं है, तू तो विद्वान है ही नहीं। सुबह से शाम तक हर घर की माँ अपने बच्चे के पीछे ऐसी पड़ी रहती है, ऐसी पड़ी रहती है, पहले की माताएं अपने बच्चों के पीछे ऐसे नहीं पड़ती थी, बैठती थी, काम करती जाती थी, बच्चा लिखता जाता था, काम करती जाती थी, बच्चा पढ़ता जाता था, और पहले भी कलेक्टर होते थे, पहले भी एसपी होते थे, पहले भी डीएसपी होते थे, और आज भी कलेक्टर हैं और आज भी एसपी और डीएसपी। हम बच्चों को विद्या थोपे नहीं, हमने अपने बच्चों को विद्या थोप दी। पहले की माताएं विद्या थोपती नहीं थी, उसको अंदर तक प्रदान करती थी, अंदर तक प्रदान करती। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? सुबह से उठती हैं माताएं और चिल्लाना चालू कर देती हैं, तैयार हो जाओ, स्कूल की बैन आने वाली है, गाड़ी आने वाली है। पहले सुबेरे सुबेरे से आवाज आती थी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, अब सुबह से आवाज आती उठ रहा। बच्चा उठे कि नहीं उठे, उसका बाप जरूर उठ जाता है। जब इतनी तेज तेज चंद्र घंटा घंटा बजाएगी तो फिर तो उठना ही पड़ेगा, पिता जरूर उठ जाता, और पिता उठा। पिताजी ने चिल्ला कर कहा, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह से, स्कूल की बहन आने वाली है, अभी तक उठा नहीं है, उठाओ इसको। पहुंच गई रसोई घर में, बाप अपने छोरा छोरी को उठा रहा, उठ जा बेटा, मम्मी आती होगी, उठ जा। पहले के जमाने में डराते थे, बाऊ आता होगा, आज के जमाने में डराना हो सास को तो कह दो बहू आती होगी, अब ऐसी डर जा बेचारे, अब उठ जा। पिताजी कह रहे मम्मी आएगी, उठ जा। बच्चा उठा, आया धोया, स्कूल जाने की तैयारी। किचन में रसोई घर में घर की माँ काम कर रही है, 25 बार बर्तन को सुबेरे सुबेरे गिरा दिया। सास उठ गई, सास ने कहा बेटा क्या हो गया? बस इसको स्कूल भेजना, अभी तक नहाया नहीं है। इतने में माँ ने कह दिया मैं टिफिन बना देती हूँ बेटी, तू एक काम कर उसको तैयार कर दे, क्योंकि ये तो चाहती यही थी कि डोकरी उठे, चाहती उठी, बनाया टिफिन। बच्चा जब वैन में बैठता है, गाड़ी में बैठता है, हाथ हिला के बैठता है, पर हाथ जोड़ के बैठता है, पीछा छूटा दोपहर के 2 बजे, कहां? बच्चों को विद्या थोपना नहीं है, बच्चों को विद्या ग्रहण करने का एक तरीका उसकी जिंदगी में लाकर छोड़ना है। स्कूल कॉलेज में जो तुमने सीखा मरते दम तक तुम्हारे काम आया कि नहीं आया? साइन थीटा कॉस थीटा तुम्हारे काम आया कि नहीं आया? स्कूल में कॉलेज में जो तुमने सीखा वो तुम्हारे काम आया कि नहीं आया? ये पता नहीं, पर शिव महापुराण की कथा जरूर कहती है, जो तुमने अपने घर में अपनी मां से अपने पिता से जो संस्कार ग्रहण करे हैं वो मरते दम तक तुम्हारे काम आते हैं, आखिरी तक तुम्हारे संस्कार तुम्हारे काम आएंगे। आज के समय में शिक्षक का दबाव और होना चाहिए कि हमारे स्कूल के बच्चे
हमारे क्लास के बच्चे, एक टीचर का ये प्रभाव होना चाहिए कि मेरे क्लास के बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे कोई व्यसन में ना जाएं, कोई गलत संगत में ना जाएं। बच्चे बच्चे बहुत जरूरी है हमारे। बहुत बुरी स्थिति चल रही है जहां पर नवयुवक बच्चे व्यसन की ओर जा रहे हैं, बहुत विचित्र स्थिति, उसमें हमें बचना है। मिला है शरीर, मिला है इसको सदुपयोग में लगाना, सतमार्ग पर लगाना, अच्छी जगह पर लेकर जाना है। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी पति ने अगर श्राप दे दिया कोई बात नहीं, पति ने आड़ा टेढ़ा कह दिया कोई बात नहीं, कोई चिंता का विषय, सास अपशब्द कह दे दिल में लेकर कभी मत जाओ। ए मेरी जीजियों, जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं और इस पंडाल में, आज कम से कम इस पूरे प्रागण्य में 8 से 9 लाख लोग भक्त भरे पड़े हैं। जितने पंडाल के आसपास में हैं उससे ज़्यादा लोग पेड़ों की छाँव में, हम कहेंगे लगभग यहाँ से आधा आधा किलोमीटर दूर भी, हम तो चैनल वालों से कहेंगे कि अगर आपको दिखता हो तो यहाँ से वो दूर तक के पेड़ पौधे देख लो, जिन जिन पेड़ पौधों को आप कवर कर सकते हो उन पेड़ पौधों के नीचे, पहाड़ के ऊपर, टेकरी पर, गाड़ियों पर, जहाँ आप कवर करें वहाँ तक कवर कर सकते हैं। और इनको देखें कि इनकी भक्ति की लगन कितनी प्रबल है, जो शंकर को प्राप्त करने के लिए अपना घर छोड़कर यहाँ पर, इनकी भक्ति की लगन। जितने इस सभा में बैठे हैं, जितने इस पंडाल के सम्मुख में बैठे हैं, जितने इस शिव महापुराण की साक्षी में बैठे हैं, और जितने आस्था चैनल और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इन सब बहनों से निवेदन और सब भाइयों से निवेदन, किसी के शब्द को अच्छे शब्द हो उसको जिंदगी में उतार लो। कुछ अच्छा मिल रहा है उसको उतार, कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है उसको ले लो। एक उत्तर दोगे क्या धुलिया वालों, बोलो तो जम के। कुएं का जल, बावड़ी का जल, हापसी का जल, तालाब का जल, समुद्र का जल, बारिश का जल, नल का जल, ट्यूबवेल का जल, क्षीर सागर का जल, खड्डे का जल, जितने जल हैं इन सभी जलों में सर्वश्रेष्ठ जल कौन सा? तालाब का जल, बावड़ी का जल, हापसी का जल, ट्यूबवेल का जल, कुएं का जल, बारिश का जल, खड्डे का जल, समुद्र का जल, सागर का जल, कूप का जल, कुएं का जल, इन सभी जलों में श्रेष्ठ जल कौन सा है? अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो आपके स्मरण में आएगा, इसमें सर्वश्रेष्ठ जल अगर कोई सा होता है तो वो समुद्र का जल होता है। कारण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है जल भेद। कौन सा ग्रंथ है? जल। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने वर्णन करा सर्वश्रेष्ठ जल होता है समुद्र का जल। क्यों? कुएं के जल में कचरा डालोगे तो वो कुएं में सड़ता रहेगा, बावड़ी में कचरा डालोगे वो सड़ता रहेगा, ट्यूबवेल में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, खड्डे में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, नदी में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, सरोवर में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, पर समुद्र में अगर कचरा डाला है तो समुद्र की लहरें उस कचरे को किनारे पर लगा देती हैं, वापिस किनारा दे देती हैं। समुद्र कभी कचरे को अपने अंदर नहीं उतारता, समुद्र कचरे को किनारे पर लगा देता है। तो मेरे भारत की, देश की और विदेश में जितनी मेरी बहनें बैठी हैं उनसे एक ही निवेदन है, जब कोई तुम्हारे कचरा दे, गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, तो तुम समुद्र जैसा दिल रखकर कचरे को किनारा लगा दो।
इस कचरे को किनारा तुम्हें लगाना, अपशब्द कहने वाले का अपशब्द हमारे दिल में नहीं रखना, समुद्र कचरे को अंदर नहीं रखता। फिर कहा समुद्र श्रेष्ठ क्यों है, तो कहा समुद्र इसलिए श्रेष्ठ है, समुद्र में सोना डालो, चांदी डालो, हीरा डालो, पन्ना डालो, समुद्र कभी किनारे नहीं लगाता, समुद्र अपने अंदर उतार लेता है। जब शिव महापुराण रूपी हीरा मिले, कोई अच्छी ज्ञान की बात कहे, तो उसको अपने अंदर उतार कर रख लो। फिर कहा समुद्र का जल श्रेष्ठ क्यों है, तो कहा समुद्र का जल श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि समुद्र जब चंद्र बढ़ता है तो समुद्र उछलता है। बोलो री जी, सही है कि गलत है? चंद्र बढ़ता है समुद्र उछलता है, चंद्र घटता है समुद्र बैठ जाता है। समुद्र से हमें अपने को समुद्र जैसा बनाना है। जब किसी को बढ़ता हुआ देखो तो इतने खुश हो जाओ कि भगवान इसको और ऊपर पहुंचाना और उन्नति देना। और चंद्र घटता है तो समुद्र घटता है। जब किसी को दुखी देखो, किसी को घटता हुआ देखो, तो तुम्हारा दिल भी घटना चाहिए, तुम्हें भी नम्रता आना चाहिए। समुद्र क्यों अच्छा है, तो समुद्र इसलिए अच्छा है क्योंकि समुद्र खारा होता है, सच बोलने वाला हमेशा बुरा होता है। देश विदेश में बैठी हुई मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को मैं निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ से, महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा धूलिया नगर से चल रही है। आज सबसे ज्यादा केस अदालत में, सबसे ज्यादा अगर केस हैं तो प्रॉपर्टी के केस नहीं है, आज अदालत में सबसे ज्यादा केस अगर कोई चीज के नहीं, अगर किसी के मर्डर के केस नहीं है, किसी प्रॉपर्टी के केस नहीं है, जमीन जायदाद के केस नहीं है, भाई भाई के केस नहीं है, आज पूरे भारत की अदालत में सबसे ज्यादा केस हैं तो तलाक के केस है। भारत की सबसे ज्यादा अदालतों में अगर केस चल रहे हैं तो तलाक के चल रहे हैं, समझौता नहीं बैठ पा रहा, एक दूसरे का समझस नहीं बैठ पा रहा, जरा सी बात में विवाद हुआ माने कह दिया जा मेरे घर पर, कमी है क्या अपने, कोई कमी है क्या, छोड़िया तेरा ससुराल, और बेटी घर पर जाकर बैठ गई, इधर पति रुष्ट होकर बैठा, बेटी रुष्ट होकर बैठी, माने कह दिया दूसरी शादी करा देंगे। अगर बेटी के भाग्य में अच्छा लिखा होता तो पहले ही भेरू अच्छा मिल जाता, अब तो चार करा ले तो भी वैसा ही मिलने वाला है, इसलिए जैसा मिला है उसको निभाने का प्रयास करो, उसको समझाने का प्रयास करो, उसको संजोने का प्रयास करो, उसको समाजस बिठाने का प्रयास करो। लड़के से कहो तेरी धर्म पत्नी अच्छी है, उसको लेकर आ जा, प्रार्थना कर, ससुर के पास जा, सास के पास जा, जाकर कह जब शंकर भगवान अपनी सती के लिए दक्ष प्रजापति के यहाँ जा सकते हैं, जिस दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को अपशब्द कहा था, श्राप दिया था कि तू शमशान में निवास करेगा, इसके बाद भी मेरे भोले बाबा दक्ष प्रजापति के दरवाजे पर जाकर अपने ससुर से बात करते हैं अपनी धर्म पत्नी के लिए, तो तुम अपने बेटे से क्यों नहीं कहते? कुछ नहीं, जाओ लेकर आओ उसको, हो गई ना बात, खत्म करो लेकर आओ, बेटी को समझाओ कोई बात नहीं, जाओ अगर मान ले तो दूसरी शादी करेगी और वो भी ऐसे ही निकल गया तो, मम्मी मैं शादी नहीं करूंगी, मेरे को शादी नहीं करना, तो जिंदगी कैसे निकलेगी बेटा, मैं तो अकेली रह लूंगी, ये संसार दुनिया के लोग एक किसी की मुर्गी रोड पे मिल जाए तो वो मुर्गी ले जाए, तो आज का व्यक्ति किसको छोड़ रहा है संसार, किसको छोड़ रहा है? संभलो, अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने का प्रयास करो, समझाओ बेटो बेटियों को, ज्ञान दो अपने बच्चों को, भड़काओ नहीं, अपशब्द मत कहो, ताना मत दो, समझाने का प्रयास करो। हो सकता है बेटा जिंदगी में यही लिखी हो, किस्मत में ऐसा लिखा हो, भाग्य के आगे किसकी चली, समझाओ। हम समझाते नहीं हैं, हम उल्टा अग्नि में घी और डाल देते हैं, मत जा तू तो, रेंदे अच्छा है, क्या करेगी जाके, क्या करेगा जाके, हम उल्टा उल्टी, समझाओ। जितना ज्ञान दे सकते हो दे। लोग कहते हैं गुरुजी आप शिव पुराण तो कम करते हो, बाकी की बातें ज्यादा करते हो, हमने कहा शिव पुराण सुनते सुनते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई, गीता प्रेस गोरखपुर के शिव पुराण घर में लिया 25 बार पढ़ लो। पर जो जरूरी है, शंकर भगवान ने अपने जीवन में, दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया तो भी शंकर भगवान उनके दरवाजे पर गए, सती माता जलकर भस्म हो गई तो भी शंकर भगवान उनके द्वार पर गए,
कभी उन्होंने विरोधाभास नहीं पाला, कभी उन्होंने अपशब्द नहीं कहा, कभी उन्होंने ताना नहीं दिया, कभी उन्होंने गाली नहीं दी। समुद्र जैसे बन जा, कोई ने अपशब्द कह दिया, यहां से सुना, यहां से निकाल।